आपका हार्दिक स्वागत है। होली आ रही है, सभी को पता है, और होली का दिन वो दिन होता है जिस दिन तांत्रिक क्रियाएं सबसे ज़्यादा की जाती हैं, जिस दिन मंत्र जाप सबसे ज़्यादा किया जाता है, जिस दिन मंत्रों की शक्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाता है। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होली का कौन सा दिन हो। एक तो वो दिन होता है जिस दिन होलिका दहन होता है, और एक दिन वो दिन होता है जिस दिन रंगों के द्वारा होली खेली जाती है। सही में तो जिस दिन होलिका दहन होता है वही वो दिन होता है जिस दिन आप अपने पितरों को भोग लगाते हैं, जिस दिन आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता के लिए भोग निकालना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। वही वो दिन होता है जिस दिन आप कोई साधना करते हैं, जिस दिन आप कोई मंत्र को सिद्ध करते हैं, वही दिन होता है। होली का दहन वो दिन होता है जिस दिन तांत्रिक क्रियाएं सबसे ज्यादा की जाती हैं। दिवाली से भी कई गुना जो प्रभाव है वो होली का होता है, होली का दहन के दिन होता है। अगर कोई तांत्रिक क्रिया करनी हो तो होली का दहन के दिन करनी होती है। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो होली का दहन के दिन करना होता है। अगर किसी मंत्र की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाया जाता है तो वो होलिका दहन के दिन करना होता है। होलिका दहन के दिन सुरक्षा मंत्र जो होते हैं, वशीकरण जो मंत्र होते हैं, मारण जो मंत्र होते हैं, उच्चाटन जो मंत्र होते हैं, इस प्रकार के जो मंत्र हैं उन्हें सिद्ध किया जाता है। पर यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि होलिका दिन ही ऐसा दिन क्यों होता है जिस दिन ये मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। 28 मार्च 2021 को होली है और 28 मार्च को ही पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन वो दिन होता है जिस दिन शक्तियां सबसे ज्यादा जागृत होती हैं और विचरण करती हैं। जो अन्य लोगों के जो शक्तियां होती हैं, जैसे अन्य लोगों की जो शक्तियां हैं, बेताल है या फिर यक्षिणी है, गंधर्व है, यक्ष है, ये सभी जो है वो पृथ्वी पर गमन करना शुरू कर देते हैं। होलिका का दिन ही वो दिन होता है जिस दिन लोग भूत और प्रेत साधनाएं सबसे ज्यादा करते हैं। जिस पर तंत्र क्रिया करनी हो, मूठ करनी हो, वो इसी दिन होता है। इसलिए आपने कई बार ये सुना होगा, देखा होगा कि होली के दिन या दिवाली के दिन कई ऐसे लोग जिन पर तंत्र क्रिया की जाती है वो मृत्यु के इतने नजदीक पहुंच जाते हैं कि कुछ दिन ही उनकी जिंदगी के बचते हैं। इसलिए कहा जाता है कि होली का जो दिन होता है, इस दिन सोच समझकर ही आप कोई साधना करें। जो लोग गुरुमुख नहीं है उन लोगों के लिए मैं स्पेशल ये कहना चाहूंगा कि वो लोग उग्र मंत्रों का जाप ना करें, और दूसरा बिना गुरु के शावर मंत्रों का जाप ना करें। अगर आपका कोई गुरु है तब भी आप उन मंत्रों का जाप करें जिन मंत्रों को आप एक दिवसीय साधना में सिद्ध करना चाहते हैं। और होली के दिन ही आप कोई भी जब भोग देते हैं तो उसका तरीका आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे भोग देना है। ऐसा नहीं है कि होली के दिन आप माता काली को रक्त अर्पण कर दोगे तो वो और ज्यादा उग्र हो जाती हैं। और होली का दिन ही वो दिन होता है जिस दिन अगर आप इस क्रिया को करते हैं तो उस दिन से आपके साथ दिक्कतें जो है, परेशानियां जो है, वो शुरू हो जाती हैं। इसलिए होली के दिन आप जो भी भोग देते हैं वो सोच समझकर आपको भोग देना है। मैं तो ये कहूँगा कि होली के दिन आप अपने पितरों को, कुलदेव और कुलदेवी को भोग दें, उनको ही मनाएं। ये दिन होलिका का जो दिन होता है ये महत्वपूर्ण होता है साधकों के लिए, महत्वपूर्ण होता है भक्तों के लिए। जो गुरुमुख हैं, जिनके पास शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, वो अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, साथ साथ में गुरु पूजन और मंत्रों को वो सिद्ध करते हैं। इसी दिन अगर किसी तंत्र की काट करनी हो तो सबसे अच्छा जो दिन होता है वो होलिका का दिन होता है, होलिका दहन का दिन होता है, जिस दिन बड़े से बड़े तंत्र की काट करनी होती है। कई लोगों पर 20-20 साल, 35-35 साल से कोई प्रेत बाधा जब सवार होती है तो उसका जो उतारा होता है, जो उसका महाउतारा जिसे हम कहते हैं, उसके पूरे शरीर से उस नकारात्मक शक्ति को निचोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब रख दिया जाता है, जैसे चौराहे पर रख दिया जाता है, शमशान में रख दिया जाता है, नदी के किनारे पर रख दिया जाता है, तो वो यही दिन होता है।
इसीलिए होलिका दहन के दिन आप चौक चौराहे को पार ना करें। आपको होलिका के दिन बहुत सारे ऐसे टोकटे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मजारों पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि चौराहे पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सुनसान स्थान पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वही दिन होता है जिस दिन सबसे ज्यादा ये कर्म जो हैं वो किए जाते हैं। इसलिए होलिका का दिन बहुत ही संभल कर आपको चलना होता है। आप इस दिन अपने पितरों को ही भोग दें, इस दिन अपने कुलदेव को ही भोग दें, कुलदेवी को ही भोग दें, अपने जो इष्ट देव हैं उन्हीं को ही आप भोग दें, ताकि उन्हीं की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और वो हर प्रकार से आपकी रक्षा करें। कई लोग ये सोचते हैं कि होली का दिन आ रहा है, मैं इस मंत्र को सिद्ध कर लेता हूँ, होली का दिन आ रहा है, मैं माता काली की सवारी के लिए इस मंत्र को सिद्ध कर लेता हूँ, तो उसकी पूर्ण विधि होती है। और बिना गुरु के तो आप मंत्र को सिद्ध करने की सोचना भी मत। इस दिन जो शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां वो और साथ ही सकारात्मक शक्तियां ये आपके इर्द गिर्द होती हैं, और सबसे ज्यादा जो आकर्षण होता है इनका वो इसी दिन होता है। अगर आप कोई भोग देते हैं, अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो सबसे ज्यादा आकर्षित जो है वो ये शक्तियां होती हैं। आसपास के जो प्रेत हैं, जैसे किसी पीपल के अंदर प्रेत होता है, किसी आग के पेड़ के अंदर प्रेत होता है, किक्कर के पेड़ के अंदर प्रेत होता है, वो प्रेत भी आवागमन यानी उनका जो आवागमन है वो भी इस दिन शुरू हो जाता है। अगर आप बिना गुरु के कोई साधना करने के लिए सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, बिना गुरु के साधना आप मत कीजिए। हाँ, अगर आपका कोई गुरु है और ऐसी कोई अवस्था है जिससे आपकी उनसे मन मुटाव हो गया है या वो गुरु स्वर्ग सिधार गए हैं, तो उस समय आप अपने गुरु का नाम लेकर, अपने गुरु को भोग देकर, उनका अपने गुरु को भोग के द्वारा प्रसन्न करके और साधना को एक दिवसीय साधना की शुरुआत कर सकते हैं। पर उसमें भी आप उग्र मंत्रों का जाप ना करें, उग्र साधनाएं ना करें कि आप सोच रहे हो कि माता धूमावती की साधना आप करूं, माता तारा की साधना आप करूं, माता छिन्नमस्तिका की कर लूं या फिर मरकट काली की कर लूं, तो ऐसी साधनाओं को आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको करनी है तो आपके जो इष्ट हैं उनके मंत्रों का आप जाप जो है वो कर सकते हैं। जैसे अगर आपके इष्ट भगवान भोलेनाथ है तो आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके शावर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपके गुरु हैं यानी आप गुरुमुख हैं, गुरु का हाथ आपके सर पर है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया में है या फिर नहीं है, पर आपके सिर पर गुरु का हाथ होना जरूरी है, आपके अंदर गुरु की ऊर्जा होनी जरूरी है, जिससे कि जब आप मंत्रों का जाप करेंगे तो वो ऊर्जा जो आपके पास आएगी वो स्वच्छ होकर आएगी, ना कि कोई नकारात्मक शक्ति के रूप में आपके ऊपर आएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। होली का दिन बहुत पावन दिन होता है, साथ साथ में बहुत खतरनाक भी दिन होता है। इस दिन बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां जो है वो विचरण करती हैं, और जितने भी तांत्रिक होते हैं वो जो नकारात्मक कार्य करते हैं, जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, इसी दिन करते हैं। साथ ही कुछ अच्छे लोग जो इन क्रियाओं को नष्ट करते हैं वो भी इसी दिन करते हैं। तो इसीलिए अपने घर पर रहिए और प्रभु का गुणगान करके, उनके नाम का स्मरण करके ही अपने दिन को बिताइए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।